हाँ जी पूछिए क्या पूछना है आपको। बिल्कुल नहीं है, बाकी अभी जब मैंने सदस्यता ले ली है तो जो मुझे पार्टी बोलेगी मैं वो करूँ, अभी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। जब तक मैंने सदस्यता नहीं ली थी तो मैं खुले में बोला करती थी कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन अभी जैसा पार्टी बोलेगी मैं। देखिए वजह या व्यक्ति वो सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मनोज सर है, मैं हमेशा बताते आई हूँ कि मेरे को रास्ता दिखाना है। इन्होंने मुझे हमेशा बच्चे की तरह समझाया कि आप ये कीजिए आप ये मत कीजिए, और इन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। दिखा के सिर्फ एक ही बात बोली है कि जो आपका मन करे आप वो करो, किसी की सुनो मत। और मैंने ये खुले में कहा था कि जब मैं मेरा मन करेगा कि मुझे सदस्यता लेनी है, मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, तो मैं खुले में आके बोलूंगी। तो अभी मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैं आपको खुले में आके बोल रही थी आपने ज्वाइन किया। आपने लोकसभा के टाइम में कहा था कि प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद मेरे मेरी मित्रता सभी पार्टी में है लोगों, क्या अभी भी मित्रता बनी रहेगी या वो टाइम बताएगा? अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन अभी मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उनसे गुस्सा हूँ या कुछ ऐसा नहीं। ये पार्टी ही मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, तो जिस तरीके का मेरा अभी दिमाग है वो बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे किसी से कोई भी गिला शिकवा शिकायत कुछ नहीं है। बाकी टाइम बताएगा, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ने वाली मैं भी नहीं हूँ। चुनाव लड़ने के लिए एक उम्र बहुत बड़ा वो होती है, एलिजिबिलिटी। सर आप टेंशन मत लीजिए, दो महीने बाद में 25 साल की हो जाऊंगी। सर मैं अभी सॉरी मैंने आपका सवाल ढंग से नहीं सुना। बीजेपी आपको हरियाणा से चुनाव के लिए टिकट देगी? हाँ जी लगभग लगभग तय है, हम लोग बाद में डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा लगभग लगभग तय कर दिया मुझे बताने का आपने तय कर दिया पहले से पता है। अभी मैं उनको कह रहा था मेरे सामने दूसरे पार्टी चला रहे हो ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम आप लोगों को बता के करेंगे। जैसा कि सर ने बताया आप चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान का, तो हम आपको बिना बताए कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार के काम को किस तरह से देखती है आप? अभी फिलहाल तो ना के बराबर ही देखती हूँ। आपका जो व्यू सर आपको तो बताने की जरूरत है, आप लोगों को भी बताने की जरूरत है कि कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं। हरियाणा में कई मुद्दे हैं सर, मैं ना के बराबर देखती हूँ। सबसे पहले तो एक लीडर में सबसे जो जरूरी चीज होती है वो पॉजिटिविटी होती है। अगर आप किसी के मेरे ख्याल से किसी के प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं, ये है। आपको हर किसी इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो चाहे वो मर्सिडीज में बैठता हो। सबको यहाँ अधिकार है सेल्फ रिस्पेक्ट पाने का। आप किसी की अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पॉइंट करते हो तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। दूसरा कि अभी इतने घोटाले पकड़े गए हैं और अभी आपको पता है कि एक घोटाला मनोज जी ने भी पकड़ लिया है और वो उसको रिवील जल्दी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो डर गया है अभी, टेंशन मत लीजिए। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी, हाँ जी, जब आपने कांग्रेस ज्वाइन करी थी तो सुरेंद्र सिंह है विधायक है बीजेपी के, उन्होंने बहुत सारी आपके मुखाबद टिप्पणी करी थी। अब आप बीजेपी सर, उस वक्त भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कहूंगी कि वो मुझसे बड़े हैं। अगर उसकी उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है तो मैं वो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। कभी मेरे ख्याल से बाप की उम्र के इंसान को ये नहीं बताया जाता कि आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। शादी के दिमाग में मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हरियाणा में कई मुद्दे हैं लड़कियों को लेकर चुनाव को लेकर, हाँ जी, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो कि आपको लगता है कि अभी भी नेग्लेक्टेड है उस पर काम करने के लिए जरूरत हरियाणा? मेरे ख्याल से
एक ही मुद्दा है कि लड़कियां वहां पे बहुत कुछ करने की काबिलियत रखती हैं, लेकिन काफी लड़कियों को घर से ही नहीं निकलने दिया जाता। मेरी तो फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर वहाँ फैमिली सपोर्ट मिले तो हर लड़की कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखती है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि हर लड़की को वहाँ घर से निकलने की, मिलने की और सबसे बातचीत करने का मौका दिया जाए। वो जो करना चाहती है उसे छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए कि आप कीजिए। शायद सर मेरे को नहीं लगता, मैंने पहले मैं बोला कि जो पार्टी बोलेगी मैं वो करूंगी। अभी मेरे जुबान से आप इसके अलावा कुछ नहीं सुन सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। अंजलि अंजलि अभी आपने बोला कि मनोज सर की वजह से आप आई हैं, प्रेरणा लेके आई हैं, मोदी जी सबको प्रेरणा ले रहे हैं, मोदी जी से मिलने का प्लान है, बातचीत हुई, मोदी जी से मिलेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, वो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने का किसका सपना नहीं होगा, तो मैं जरूर मिलूंगी। और उनकी पॉलिसी से मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत प्रेरित हूँ। मेरे ख्याल से वो हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा अंग है, अगर वो ना हो तो हिंदुस्तान सूना है, खाली है इस वक्त। और वो जो भी हमारे हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं उनको हैट्स ऑफ है, हमेशा चरण छू के प्रणाम है, और वो ऐसे ही करते रहे ताकि हमारा हिंदुस्तान ग्रो कर जाए। आपकी पहचान आपके प्रोफेशन से जुड़ी रही है, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं, उनसे कितना प्रभाव पड़ेगा और अपनी पार्टी को कितना समय देगा? मुझे लगता नहीं कि किसी भी काम पे प्रभाव पड़ता है, ना मेरे आर्टिस्ट होने पे प्रभाव पड़ेगा, ना मेरे सिंगर होने पे प्रभाव पड़ेगा, ना इस काम पे प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं जज्बा रखती हूँ कि मुझे सब कुछ साथ लेके चलना है। फिर भी आपके पास भी शायद एक मौका है, आप अपनी इच्छा भी बता सकते हैं कि हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने वाले। मैं मैंने अपनी इच्छा से आज तक कुछ नहीं सुना। फिर भी अगर आपको एक ऑप्शन मिलेगा तो आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे और सच्ची बात? अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाएगा तो मैं आपके घर आ जाऊँगी। चुनाव तो घर से नहीं होगा मैडम, सच्ची मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने का मौका मिला तो लड़ेंगे। उनके खिलाफ लड़ने का नहीं मैडम, मैं सीटी छोड़ दूंगी। नहीं, मैं उनके साथ रहना, उनकी शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। सर मेरे ख्याल से मेरे अंदर जितना जज्बा है, एक लड़की खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, जहां तक मेरा मानना है मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, हर लड़की खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। बस हमारा काम है कि उनको ये एहसास दिलाना कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो बस हम शायद बैठेंगे, सभाएं करेंगे, लोगों को बताएंगे, महिलाओं को इकट्ठा करेंगे कि आपसे बढ़कर कोई नहीं, अगर आपके अंदर जज्बा है तो सब आपके। तो क्या नहीं किया आप क्या वो पार्टी करेगा? महिला होने के नाते जब मैं बन जाऊंगी तब करनी। लास्ट पर्सन सपना, आपने कहा कि हर प्रोफेशन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपके प्रोफेशन को देखते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अगर ऐसे लोग पार्टी में आएंगे तो पार्टी का बेड़ा गर्क होगा और अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए था शामिल कराने से। जिनकी पार्टी का खुद बेड़ा गर्क है वो किसको बोल रहे हैं? मेरे को नहीं लगता मैडम कि हमारा प्रोफेशन कुछ गलत है। देखिए मैं शुरू से ये समझाती आई हूँ, अगर मेरा प्रोफेशन गलत होता तो शायद जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, जितने लोग मुझे अच्छा समझते हैं, मैं एज अ वुमन बीइंग कैसी हूँ, अगर लोग मुझे समझ जाए तो कोई मेरे प्रोफेशन को गलत नहीं बता सकता। दूसरी बात कि अगर मेरा प्रोफेशन गलत है तो इतने लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं? मैंने शायद कुछ गलत नहीं किया, मैंने कमाया और खाया, किसी का कम से कम पेट तो नहीं काटा। अगर मैं पेट काटती तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठी होती या लोग मुझे इतना पसंद नहीं करते। तो मैं सिर्फ उनकी इज्जत करती हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते मैं उनको देखना भी पसंद नहीं करती।
सपना है एक, अगर आपको कुछ परफॉर्म करने के लिए कहीं कहा जाए पॉलिटिकल मीटिंग में, तो क्या रिएक्शन हुआ? सर शायद काफी लोग ये नहीं जानते, इन सेकंड काफी लोगों को ये नहीं पता कि मैं सिर्फ एज ए डांसर नहीं जानी जाती, मैं एक सिंगर भी बहुत अच्छी हूँ। तो प्रोग्राम करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि मैं डांस कर सकती हूँ, मैं गा भी सकती हूँ, मैं बड़े अच्छे अच्छे गाने सुना सकती हूँ, देशभक्ति के गा सकती हूँ, दो लाइनें सुना सकती हूँ।